जय गुरु। वेलकम टू स्पिरिचुअल टैबलेट और मेरा नाम है अरुण। आशा करता हूँ कि आपको पिछला एपिसोड अच्छा लगा होगा, जिसमें हमने देखा था कि ईगो और सोल के रूल के अंदर हमारे कान क्या सुनना पसंद करते हैं। आज हम बात करेंगे अपनी नाक और सूंघने की शक्ति के बारे में और टंग या टेस्ट बर्ड्स के बारे में। पहले बात करते हैं नाक और स्मेलिंग सेंस की। जब राजा सोल होता है तब राजकुमार शुद्ध और प्योर खुशबू होता है। हमें नेचुरल खुशबुएं जैसे कि फूलों की खुशबू और शुद्ध हवा अच्छी लगती है। मंदिरों और पूजा की जगह वाली धूप बत्ती की खुशबुएं और ताज़े फलों की खुशबू भी अच्छी लगती है। लेकिन ईगो के राज में हमें हैवी और सेंसेस को अराउज करने वाली स्मेल्स अच्छी लगती हैं, जैसे कि परफ्यूम्स, स्पाइसी खाना, नॉन वेजिटेरियन फूड। जब ईगो राजा होता है हमें प्योर फूड्स की जगह ओवर स्पाइसी, मीट और रिच खाना अच्छा लगता है, जो बॉडी के लिए अनहेल्दी है। ऐसे खाने की स्मेल ज़्यादा अच्छी लगती है। कई बार तो हार्मफुल चीज़ें जैसे कि अल्कोहल और सिगरेट स्मोक भी हमें स्मेल करना अच्छा लग जाता है। जैसे कि इंग्लिश में एक सेइंग भी है, फॉलो योर नोज। इससे आप इजीली पता लगा सकते हैं कि हमारा झुकाव किस तरफ है। दूसरा है हमारे टेस्ट बड्स या टंग का एरिया। जब हमारी बॉडी पर सोल का राज होता है तो राइट ईटिंग प्रिंस होता है और उसकी मर्जी चलती है। हमारे टेस्ट बड्स फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, रॉ विटामिन्स और हेल्थ इम्प्रूविंग फूड्स की तरफ ऑटोमेटिकली अट्रैक्टेड होते हैं, जो इन रिटर्न हमारी हेल्थ को इम्प्रूव करती हैं। जब राजा ईगो होता है तो प्रिंस लालच होता है। हम नेचुरली ओवरकुक्ड, स्पाइसी और हार्मफुल टू डाइजेस्टिव सिस्टम फूड्स की तरफ अट्रैक्टेड होते हैं, जिसका लॉन्ग टर्म में रिजल्ट होता है इनडाइजेशन और सिकनेस। इतना ही नहीं, ऐसी सिचुएशन में प्रिंस लालच हमें ज़्यादा खाने की तरफ भी पुश करता है। बच्चे और बड़े सब इस लालच में फंसे हुए हैं। आप देखेंगे कि हमारे आसपास मोटे लोग बढ़ते जा रहे हैं। इसका एक कारण ओवरईटिंग भी है, और अब तो यह साइंटिफिकली प्रूवन है कि ओबेसिटी लाइफ स्पैन को छोटा करती है और कई डिजीजेस को भी इन्वाइट करती है। ओवरईटिंग हैबिट्स हमारी मॉडरेटली ईटिंग हैबिट्स को कई बार हराती हैं। अगर हम कामली अपने मन की बात को सुनेंगे तो ऑब्जर्व करेंगे कि वह हमें ओवरईट करने से रोकता है। उस समय थोड़ा सा कंट्रोल करेंगे तो हमारी वह आवाज़ विद टाइम स्ट्रॉन्ग और क्लियर हो जाएगी और ऑटोमेटिकली राइट ईटिंग हैबिट बन जाएगी। जो भी इंसान अपनी इस ग्रीड को कंट्रोल नहीं करता, उसे आज नहीं तो कल कोई ना कोई बीमारी घेर ही लेती है। जब भी हम कहीं पार्टी पर, शादी पर या रेस्टोरेंट में जाते हैं, हमारे सामने इतनी वैरायटी की चीज़ें पड़ी होती हैं। उस समय ग्रीड के एजेंट्स धीरे धीरे हमें बोलते रहते हैं कि थोड़ा सा यह टेस्ट कर लो, थोड़ा सा वह टेस्ट कर लो। ज़्यादा खा लिया है, लेकिन इतनी वैरायटी की मिठाइयों में से दो तीन तो टेस्ट कर ही लेनी चाहिए। लास्ट में एक आइसक्रीम तो बनती ही है। लेकिन उस समय अगर आप सेल्फ कंट्रोल की आर्मी को वहाँ खड़ा कर देंगे तो ग्रीड के एजेंट्स भाग जाएंगे और आपकी जीत होगी। जब भी आप खाना खाएं तो याद रखें कि यह बॉडी आपको भगवान ने दी है, और खाना खाने का पर्पस सिर्फ इतना ही है कि आपको इस बॉडी को हेल्दी रखना है और इंडल्ज होकर नुकसान नहीं पहुंचाना है। अगर आप ऐसा सोचेंगे तो आपकी सेल्फ कंट्रोल की आर्मी आपकी हेल्प के लिए हमेशा खड़ी रहेगी। अगर आपको यह एपिसोड अच्छा लगा तो स्पिरिचुअल टैबलेट को फॉलो करें, और कोई भी फीडबैक हो तो ज़रूर शेयर करें। जय गुरु।